सबको बर्दाश्त की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसकी बेहतरीन जजा अदा करे। मैं अपने हाईकमान, अपनी क्यादत, हमारे कायद जनाब सैयद अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब उस्मान मजीद साहब, जनाब जफर इकबाल मदार साहब, जनाब रंजीत सिंह जी और हमारे जो भी है साहिबान इलाके पार्टी के सुरेंद्र सिंह जी, कादरी साहब, रियाज साहब, बिलाल मोहतम साहब, या जो भी यूथ है उनकी तरफ से सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं नौजवानों आपको सलाम और मोहब्बत पेश करता हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। जो आप लोग मेरे बोल की खेला लिए जनाब बुखारी साहब, जनाब बुखारी साहब, जनाब मदार साहब, जनाब मदार साहब, काफी वक्त हो चुका है। यहाँ पर जो हमारी बगैर वक्त जाया किए आप हमारे प्रेसिडेंट का सरदार मंजीत सिंह साहब, तो मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। सरदार मंजीत सिंह साहब, साबका मंत्री उस्मान मजीद साहब और पुंछ अनंतनाग रजौरी हल्के जफर इकबाल मन्हास साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एमएलए, जिन्हें पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये लोग उस पड़ोस में एक एमएलए ने इस बार मुखिया का स्टेटस दिया जाए, इन्होंने विरोध किया कि एक शुक्रिया। तो जो हजरात खड़े हैं आपसे गुजारिश है कि जहां पर भी आपको कुर्सी मिल रही है वहां पर बैठ जाएं, अगर दूर है तो कुर्सी उठाकर इस साइड पूछ के आए या शुरू कर के या मंडी को जहां भी हमारे लीडरान है उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि बहुत ज्यादा गर्मी है और आप लोगों के चाहे वो नौजवान बुजुर्ग हो चाहे उनका वहां पर जो जोशो खरोश है जो इनका इस्तेमाल करते हैं, मैं बगैर वक्त जाया किए सिर्फ एक नारे से यहां पर इनको दावत दूंगा। जम्मू कश्मीर आवाज बहुत कम आ रही है, अगर मैं माइक बंद करके आवाज दूं आपसे ज्यादा आवाज मेरी आएगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जफर इकबाल मन्हास साहब, सैयद अल्ताफ बुखारी साहब, शेख मोहम्मद तोता साहब, मैं माफी चाहूंगा सबको क्योंकि यहाँ पर आधार असामान्य चंद पार्टी करने का मौका मिला, लेकिन वो जो पीछे में ट्रेन से गुजारना शुरू कर वो आपकी कुर्सी पर बैठे हम वक्त करें इसको दोनों हाथों से प्रार्थना करता हूं कि ये जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है अनंतनाग रजौरी पूंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे जो कैंडिडेट हैं हमारे बड़े भाई जफर मन्हास साहब को हमने वोट देकर जो है पार्लियामेंट में तो जाना है, ये पार्लियामेंट में वोट मोदी जी के खाते में डालेंगे और सरकार हमारी बनेगी और हमारे लोगों का जितने भी दुख दर्द है जफर मन्हास साहब जाकर वहां पर बात करेंगे। भाइयों आज देखिए रजौरी पूंछ को नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने आज तक इग्नोर किया है और सुनने में यह भी आया है कि उन्होंने कहा कि हम रजौरी पूंछ से क्यों नहीं कैंडिडेट दे रहे आपको, बड़े दुख की बात है। उन्होंने कहा हम 500 1000 रूपये में 2000 में पूंछ को लोगों को खरीद सकते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं क्या हमारी कीमत 500 1000 रूपये या 2000 रूपये है? हम अपना ईमान नहीं बिक्री करेंगे। विधानबाग में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमने पड़ोसी की मदद करनी है, हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा बड़ा भाई जफर मन्हास जिनका चुनाव निशान सीरियल नंबर 8 बैक है, सिंगल बैक, बैक का बटन दबाकर जफर मन्हास जी को कामयाब करेंगे। पठाना साहब एमपी और भी अलग अलग हिंदुस्तान के केतु जयलाल एमपी और मिनिस्टर काम कर रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूँ अगर आप जफर मन्हास साहब को यहाँ से एमपी बनाकर भेजोगे तो मैं अल्लाह बुखारी साहब को पीएचडी हाईकमान की तरफ से जो उन्होंने मुझे प्रदेश भेजा है क्या आप सब लोग यहाँ के कुछ के जोड़ी हुए हैं कहा कि जफर मन्हास साहब को एमपी बनाएंगे, पीएचडी हाईकमान इनको मंत्री बना के दिल्ली से भेजेगी, ये आश्वासन हम बीजेपी हाईकमान की तरफ से आपको देते हैं। साथियों में बराबर चलो कहता हूँ बुखारी साहब एक नाम नहीं है, एक तारीख है,
एक तारीख लेकर चले हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी की बात करते हैं। आपको मैं बताता चलूं, यहाँ पर 370 की बात करने वाले लोग एनसी और पीडीपी हमेशा ये चलाते थे 370 370, लेकिन 2019 के बाद यहाँ पर एक आर्टिकल निकला हाईकोर्ट के रिक्रूटमेंट का, उसने ये लिखा था आपको मैं बताता चलूं कि जब यूटी बनती है कोई मिलेगा तो यूटी में आप हिंदुस्तान में अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी किसी भी यूटी के अंदर हिंदुस्तान के किसी कोने में अप्लाई कर सकते हो। उस वक्त जब यूटी का स्टेटस मिला तो जम्मू कश्मीर में जो है हिंदुस्तान का कोई भी बंदा जो है नौजवान पढ़ा लिखा अप्लाई कर सकता था, लेकिन बुहारी साहब पहले आदमी थे, ये यहाँ से उसी रात को दिल्ली चले गए और वहां से जाकर उन्होंने साधु का भी साइन कराया और उन्होंने नई मुका दिया वक्त चुनिए इस वास्ते और तू मेरा गला गले चीख में इस खैर करने पर तुम्हें तुम्हें कुछ कर ही लेगा, लेकिन वक्त की तलवार पीछे तो मेरे सिर पर लटक रही है। 5-10 मिनट बीच में आपने गाय कुशल सामने रखा, इसके कारण हंसी उन लोगों वास्ते जेड़े कस्ते मुझे मुकाब मैदान भी उतरे गए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो, लेकिन जैसा कि हमारे पिता राफत की कमी है सिद्धी के साथ ही जा रही है कि कुशला लोगों ने जो खूब और असल सारे लोगों ने जो खूब भी हो रहा कितने पीर पंजाब के लोगों और अज की जड़ी सरहदी पट्टी है इसमें ज्यादातर पहाड़ी लोग रहते हैं, गुजर का आबाद है, कुछ कुछ कश्मीरी भी है। ये पट्टी जड़ी चिंगस नौशहरों से शुरू होती है, पुलिस तो हो जो है पूरी थोड़ी तो करना करना तो फिर उसे जान होती है। आजकल ये सारी पट्टी सरहदी पट्टी नवासी 1997 एक पट्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का तोहफा जरा उन्नीस 1947 इस रियासत की तकसीम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की उस नकुल साजिश का नतीजा थी जिसका मकसद खुदा लोगों को सुल्तान कश्मीर बनाना थी, लेकिन उन्होंने कम लोगों ने उस वक्त नहीं सोचा कि इसका अंजाम कैसे। अगर 1947 में जानी पूछी कि सोचे समझे मंसूबे ने कहा सिर्फ क्या होना आज कुशाला पुलिस आज कुशाला करना आज कुशाला उड़ी आज कुशाला नौशहरा बार बार बनकर नाम रहते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहला तोहफा निराशो को मिला। इस वाले सारा के वासियों एक आई जमान बोलन वाले होश भी चाह जा होश भी चाह जा होश भी चाह जा रहा उन्हें जान बोझ के तुसा को पुलिस तुसा ने करना तुसा ने पूरी ने जिसम में दो हिस्से कितने अगर उस वक्त मुजफ्फराबाद असल को अलग होना होना अगर उस वक्त मीरपुर असल को अलग होना होना अगर उस वक्त बल्तिस्तान गिलगित असल को अलग होना होना आज तो बारह मिस लगा रहा, लेकिन जन बुद्धि के चीज फायर चुका गया ए वो मासूर है जरा असल वस्ते नहीं असल आने वाले नस्ल वस्ते भी इस वाले को इस सवाल पर गौर करो कि कुशला असली दुश्मन कौन है। और एक पॉइंट और भूमिका और करनी है जेड़े बार बार नारे दिते जेड़े कदम इलाज किया जरा कदम मैंने उतने देर में 20 मिनट डाला और जो आप फांसी का पूरा आज देख रहे हैं काफी सारे उस वक्त के वजीरों के गले में वो उसी आदर की वजह से क्यों उन्होंने अपने रिश्तेदारों में अपने हवारियों में मवारियों में थेखे बांटे थे। जब आज मैं आप लोगों से यहां खताब कर रहा हूं मैं देख रहा हूं मेरे सामने पूंछ के सरदार भाई भी आया
मुझे ये मालूम है उनकी दिक्कतें क्या है। ये बात नहीं है कि उनकी दिक्कतें नहीं है, लेकिन हम एक हैं। आज अगर मैं अलग अलग कहूं कि मैं उनके मसले भी जानता हूं, इनके मसले भी जानता हूं, शायद वो गलत होगा कहना, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग नामुकम्मल हैं एक दूसरे के बिना। हम सभी लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हम सब जम्मू कश्मीर के वासी हैं और हम सबको मिलकर अपनी इस रियासत को भी वापस लाना है और हमें अपने जमहूरी हुकूक को भी वापस लाना है। जवानों की भी याद है जो नौजवान जेलों में, इंशाल्लाह उनको भी मौका दिया जाएगा एक बार फिर नॉर्मल जिंदगी बसर करने का। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी हाथ में कथा उठाया तो उनको जिंदगी में आप दोबारा लाए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी ने लाए हैं। आज भी वो कोशिश कर रहे हैं, एक शरीफ आदमी को उन्होंने सामने करके ये बोल दिया कि पीर साहब आगे चलो। मेरे मोहतरम पीर साहब, आपकी अपनी एक पहचान है, क्यों ये खून से रंगे हुए हाथों के साथ खेल रहे हो? इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, आप तो एक मजहबी रहनुमा भी हो, आप तो सभी फिरकों के रहनुमा होने चाहिए, आपने अपने आप को एक फिरके का रहनुमा कैसे तसव्वुर कर लिया? और ये लोग अपना बदनुमा चेहरा लोगों को दिखा नहीं सकते, इसीलिए आज आपको खड़ा किया। तो उस वक्त क्यों नहीं इनको शर्म आई जब स्टेज पे उन्होंने बोला 500 रुपए में गुजर अपनी वोट को बेचता है, शराब की बोतल पे बेचता है? मैंने तो नहीं गुजर को शराब पे के हुए देखा, अगर आपने देखा है तो फिर बताइए, वरना आपको कोई जमात से कभी लड़ना नहीं चाहिए। आपको तो कम से कम मुस्गति का एहसास रखना चाहिए था जिसपे लोगों का अकीदा है। कितने अफसोस की बात है कि हमने कानूनी इलेक्शन के लिए अपनी एक पूरी कम्युनिटी को शराबी और बेईमान कहलवाते और फिर कहते हैं उनको अब हमें वोट दे दो उसी लीडर की पार्टी में जिस लीडर ने ये कहा। ये कौन सी बात हुई कि वो बुजुर्ग हो गए बात करते हैं, तो फिर ऐसे बुजुर्ग को घर में बिठाओ ना, उनको बोलो खुदा खुदा करे, लोगों की पगड़ी ना बिठा रहे। दूसरी हमारी बहन है, उनको विकार आ जाता है जब उनको कुर्सी से निकालते हैं। अब हम तो दरखास्त भी कर सकते हैं साहब, इनको पट्टे पे लिख के दे दो दोनों खानदानों को कि जब तक जिंदा है यही लोग कुर्सी पे, इनको वो वजीफा दे दो, क्योंकि कहते हैं कि जब आदम शाह सफल को यहां हिंदुस्तान से बर्मा भेजा गया वजीफा फिर भी कुछ दिया अंग्रेजों ने। इसी तरह मैं कहता हूं अब ये इक्तदार के लायक रहे नहीं कि उन्होंने लोगों का खून चूसा डालकर साहब, इनको वजीफा कुछ दे दो वजी नजर साहब, ये इनका विकार बाहर हो जाएगा, इनका वकार खाली उसी से बाहर, उसकी पूरी उम्र गुजर जाएगी। झंडे इतने हैं कि गिनती नहीं कर पाएगी, इतने मुल्क के झंडे हर जगह लहराए हैं और लहराएंगे। ये हमारा मुल्क है, हम इसके वफादार लोग हैं और किसी को अगर शक है वो हमसे कुर्बानी सीखी है। हम लोग सीने पे गोली लेते हैं जो पास से आती है, हमारे लोग शहीद हो जाते हैं, हमारे लोग कुर्बानी देते हैं, चाहे वो पुंछ का है, राजौरी का है, उड़ी का है, नौशहरा का है, आरसपोरा का है, केरल का है, गुरेज का है, हमें क्या बताएगा कोई कि कुर्बानी किसे कहते हैं। मुझे कोई बंबई में बैठ के ये नहीं कह सकता है। मुझे बड़ी ना ये लीडरान से मैं कहता हूं, अब आपने ठेले तो उनके बहुत भर दिए, अब क्या मदद करनी है, और उनको तो ठेले ही भरवाने होते हैं। आपने बॉम्बे से ठेले पकड़ लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी को दे दिए। मुझे लगता है वो आपके लिए चाय का इंतजाम भी कहीं नहीं करेंगे, क्यों इनकी खसरत ऐसी है। इनको याद कोई कब तक ही है, जब तक इनके हाथ में माया सोंपू। कोशिश करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे कि पुंछ राजौरी भी एक पार्लियामेंट्री कमीशन भी बने और अनंतनाग भी बने, तवाजन भी पूरा बरकरार रहेगा,
जम्मू खिते में भी 3 सीटें हो जाएंगी पार्लियामेंट की और कश्मीर में भी 3 सीटें हो जाएंगी, क्यों ना, अरे को हक है। और हमें तो ज्यादा ही हक है। अब हम कोई कहता है पॉपुलेशन, जनाब लद्दाख में तो कितने 2.5 लाख लोगों पे आपने सीट दी, हमें हिल काउंसिल भी दे दो ना, यहाँ पे हिल काउंसिल दे दो उसी तर्ज पे राजौरी और पुंछ को, कम से कम शिकवा तो दूर हो जाएगा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मेरे दोस्त ने काफी कुछ टूरिज्म के बारे में लिखा है, लेकिन मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि जो लोरेंस से नंडोला बन रहा है वो तो समाधान तक और तो समाधान से नीचे भी बन रहा है, इंशाल्लाह वो भी कनेक्ट हो जाएगा। और आप सब लोगों का भी कश्मीर के साथ वास्ता 12 महीने के लिए कोई ना कोई जरूरी इंतजाम होगा। आज जब मैं यहां बात करता हूं ये एक तवारीख की मौका है, मैं आपको बताता हूं इस स्टेज पे मेरे साथी यहां आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत आभारी हूं। देखिए मदद करनी बहुत बड़ी बात होती है, और वहां जहां पता हो कि हम ये सीट खुद निकाल सकते हैं, मैं होम मिनिस्टर साहब का और इस क्यादत का शुक्रिया।